हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। तो आज हम जैसे मैक्स 3ds मैक्स 2021 या कोई भी वर्जन जैसे ही हम ओपन करेंगे तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कभी भी कभी करप्ट हो जाता है मैक्स अचानक ओपन होते होते, और ये बंद हो जाएगा या कभी काफ़ी टाइम ले लेता है ओपन होने में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, या कभी करप्ट होके बंद हो जाता है, आपका फाइल ओपन हो जाएगा और अपने आप से ही बंद हो जाएगा, या बहुत सारे इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं। तो मैं ऐसा यस कर दिया, इसके बाद भी फाइल आपका प्रॉपर ओपन हो जाएगा और करप्ट होकर के वो बंद हो जाएगा, या कभी कभी ओपन होते होते में ही वो बंद होने लगता है। तो वो कुछ नहीं है, इशू छोटा सा ही है। आप सबसे पहला जो इसके लिए काम करोगे, जब भी ऐसा कुछ हो, बहुत ज़्यादा टाइम ले ओपन होने में, या बहुत ओपन होते होते बंद हो जाए, ओपन होके वो अचानक से बंद हो जाए, आप कुछ कर ना पाओ, तो सबसे पहला आपका काम जो करना है वो आप यूज़र में यहाँ पे जाओगे और जो भी आपका जिस नाम से भी यूज़र आईडी है उस यूज़र आईडी के अंदर जाओगे। यहाँ पे ये ऐप डाटा होता है, ये ऐप डाटा आप यहाँ पे ऐप डाटा के अंदर जाना है, और ऐप डाटा में आपको ये लोकल यहाँ पे आपको ऑटोडेस्क में जाना है। ऑटोडेस्क के अंदर यहाँ पे 3ds Max के अंदर लोकल के अंदर ऑटोडेस्क के अंदर यहाँ पे आपको 3ds मैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें जैसे अभी मैंने ये बहुत सारे 3ds मैक्स अलग अलग वर्जन डाले थे, हालांकि इसमें मैंने 17, 19 ये सब तो हटा भी रखा हूँ, फिर भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, एंड अभी ये दो सॉफ्टवेयर में अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने पीसी में। तो जिसका भी जिस भी सॉफ्टवेयर में या 21 में मैक्स के या 18 में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें जाओगे और ये ENU इस फोल्डर को आपको डिलीट मार देना है, ठीक है। डिलीट करके रिसाइकल बिन से भी आपको हटा देना है ENU फोल्डर, इसे आपको हटा देना है, ये दोनों में होता है। तो यहाँ से आपको यहाँ फिर से देख लो, दिस पीसी में यहाँ पे यूज़र आईडी के अंदर आपका जो भी यूज़र आईडी है वहाँ पे ऐप डाटा के अंदर लोकल, एंड लोकल में ऑटोडेस्क के अंदर जाना है, देन 3ds मैक्स के अंदर जाना है। 3ds मैक्स में आप जितने भी अगर अलग अलग वर्जन्स डाले हो, जैसा कि मेरे में दिख रहा था, तो जिस वाले वर्जन में जिस ईयर वाले में आपको प्रॉब्लम है उस वाले में जा करके और इस ENU को आपको डिलीट कर देना है। ये डिलीट करने के बाद आप जब 3ds मैक्स खोलोगे तो आपका प्रॉपर 3ds मैक्स ओपन हो जाएगा और कहीं कोई इशू नहीं आएगा। इसके ऊपर एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अभी बताया भी था, बट उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि करप्ट होने के बाद भी ये काम करता है, उसमें भी ये काम करता है, उसमें मैंने सिर्फ लेट ओपन होने का इशू बताया था। तो या तो आपका लेट टाइम ले, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले मैक्स ओपन होने में, या बहुत ज़्यादा टाइम लेने के अलावा कभी करप्ट हो जाए, कभी कभी होता है कि ओपन हुआ और फाइल बंद हो गया, तो ये कुछ भी ऐसा कुछ इशू हो तो ये काम आप सबसे पहले करके देख सकते हो। और 90% इस काम को करने के बाद, ENU को आपको डिलीट करने के बाद, आपका मैक्स ओपन हो जाएगा और एकदम नया, जैसे आप नया इंस्टॉल करते हो फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट लुक होता है 3ds मैक्स का फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हो उस तरह से ये हो जाएगा। बाद में उसको आपको अगर आप जैसे कि वीरे डिफॉल्ट अगर सब कुछ आप मटेरियल आपका ऐसा कुछ ओपन करो वो और वो वीरे में ही सब कुछ ओपन हो, या और भी ये सब सेटिंग्स करके जो हम यहाँ लगाते हैं ये सब आपको फिर बाद में करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो बिल्कुल नया, जैसे आप इंस्टॉल करते हो 3ds मैक्स उस तरह से आपका मैक्स ओपन होगा। तो आई होप ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिए बाकियों को भी, बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको ये टिप्स पता चल जाए, ये ट्रिक पता चल जाए, जिससे कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा। थैंक यू।